हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ये हमारे 1000 सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसमें इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 20 वर्ड्स सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 20 वर्ड्स, फिर इसके बाद देखेंगे इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे पहला वर्ड है गैमट। गैमट का मतलब होता है सरगम या फिर विस्तार, जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसको अगर हमें ट्रिक इसकी हमारी कैसे बनेगी, इसको बोलेंगे गा मत। गा मत यानी तू गा मत, तेरे आवाज़ की रेंज उतनी नहीं है। जैसे कोई हमारा फ्रेंड या कोई भाई या फिर बहन है, वो गा रहा है, हम उसको बोले तू रहने दे, तू मत गा, यानी तू गा मत, क्योंकि जो तेरी गैमट है ना, जो तेरा विस्तार है, जो तेरे विस्तार है, तेरी आवाज़ का जो विस्तार है, यानी जो तेरी गैमट है, वो बहुत ही कम है। तो इसलिए तू क्या अब मतलब गैमट मत, मतलब तू गा मत। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, गा मत, क्योंकि जो तेरी गैमट है, जो तेरा विस्तार है, जो तेरी रेंज है ना आवाज़ की, वो बहुत ही कम है, इसलिए तू मत गा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, गैमट को किससे, गा मत से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है नकल करना, जिसको हम बोलते हैं स्पूफ। जैसे कि पारो दीदी हर किसी की नकल करती रहती है। हमारे एक पारो दीदी हैं, पारो दीदी हैं, वो किस सबकी क्या करती हैं, पैरोडी करती हैं, यानी सबकी नकल करती हैं, स्पूफ। तो आप इसको पैरोडी को किससे याद रखोगे, पारो दीदी से। जो हमारी पारो दीदी हैं, वो सबकी पैरोडी करती रहती हैं, हर चीज़ की पैरोडी करती हैं, हर चीज़ की नकल करती हैं। तो पैरोडी आप पारोदी से याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी ट्रिक है इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है प्रफुल्लित, खुशी, एग्जल्टेंट। यानी इसको याद रखने की ट्रिक है, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो हमेशा जुबिलेंट या फिर जॉयफुल दिखते हैं। तो आपने कैसे याद रखा, जो होंगे ब्रिलियंट वही देखेंगे जुबिलेंट यानी प्रफुल्लित। तो आप जुबिलेंट को याद रख सकते हो ब्रिलियंट से। तो आपने देखा जुबिलेंट ब्रिलियंट, जुबिलेंट ब्रिलियंट, तो आप ब्रिलियंट से इसको याद रख सकते हो, जो लोग होते हैं ब्रिलियंट वो रहते हैं हमेशा जुबिलेंट या फिर जॉयफुल। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या फिर फॉरलॉन या फिर वेन। फ्यूटाइल से इसको आप याद रखोगे, जैसे कि फ्यूटाइल आपने व्यर्थ ही तोड़ डाले। यानी फ्यूटाइल को कैसे आप याद रहे हो, फ्यूटाइल, फ्यूल यानी जो कुछ जो टाइल थी आपने वो फालतू में क्या कर दी, फ्यूटाइल कर दी, व्यर्थ कर दी, क्योंकि आपने वो तोड़ दी। जब आपने वो तोड़ दी तो वो क्या हो गई, फ्यूटाइल हो गई, व्यर्थ हो गई। तो फ्यूटाइल को कैसे याद रखोगे, फ्यूटाइल से, फ्यूटाइल आपने व्यर्थ ही तोड़ दी, यानी फ्यूटाइल आपने क्या कर दी, फ्यूटाइल कर दी, व्यर्थ कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज सोम्बर। सोम्बर का मीन्स होता है उदास, निराशाजनक या फिर सैडनेस। इसको याद रखोगे आप सांबर से। डोसा के साथ सांबर नहीं मिलने पर लीला उदास हो गई। आपको डोसा मिला लेकिन डोसा के साथ आप सांबर नहीं मिला, तो आप क्या क्या, क्या उसे खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, तो बहुत ही इंसिपिड लगेगा आप उसको, आपको वो, तो आप क्या बोलोगे, आप उदास हो जाओगे, सोम्बर हो जाओगे, क्योंकि आपको डोसा के साथ सांबर नहीं मिला। तो आप सोम्बर को कैसे याद रख सकते हो, सांबर से। तो मुझे नहीं मिला सांबर, इसलिए मैं हो गया सोम्बर, यानी सैड हो गया, मैं हो गया उदास। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है झमेला या फिर उलझन, प्रेडिकामेंट। इसको याद रखेंगे ऐसे, आई एम बी रोग लियो। तो इसकी ट्रिक है, मेरी ज़िंदगी में भी झमेला आ गया है जब से आई एम बी प्रेम रोग लियो, यानी आई एम बी रोग लियो। कौन सा रोग लियो, प्रेम का रोग लियो। जब से मैंने अपनी लाइफ में प्रेम का रोग लिया है, तब से मेरी जीवन में क्या आ गया, एम्ब्रोग्लियो आ गया है, झमेला आ गया, सारी चीज़ें उलझन मेरी ज़िंदगी में आ गई हैं। तो एम्ब्रोग्लियो कैसे याद रखोगे, आई एम बी रोग लियो, जब से मैंने रोक लिया मेरी ज़िंदगी में क्या आ गया, एम्ब्रोग्लियो आ गया, उलझने आ गई हैं, झमेले आ गए हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है आदेश, डेक्री, आद्यादेश। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इंजंक्शन इसकी ट्रिक है, इसको आप रखोगे कि इन जंक्शन में साफ सफाई रहनी चाहिए, यह मोदी जी का क्या है, आद्यादेश है। इन यानी ये सारे जंक्शन है, यानी इन जंक्शन, ये जो जंक्शन है इन पे क्या रहना चाहिए, इन पे साफ सफाई रहनी चाहिए, ये मोदी जी का इंजंक्शन है यानी आदेश है। तो आप इन जंक्शन को कैसे याद रखोगे, इन जंक्शन से, तो मोदी जी ने कहा है ये जो जंक्शन है, ये जो मैंने तुम्हें इन जंक्शन बताए, इन सब पे क्या रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, और ये मोदी जी का इंजंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित, इंटरमिटेंट,
पूरा दीप पर रुक रुक कर उसने मुझे पूरा तो दिया, लेकिन क्या स्पोरेडिक तरीके से दिया, यानी रुक रुक कर। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसने मुझे पैसे दिए, उसने मेरे पैसे दिए तो पूरे पैसे दे तो दिए, लेकिन रुक रुक कर दिए, यानी पूरा दिया तो लेकिन स्पोरेडिक तरीके से दिया, रुक रुक कर दिया, अनियमित रूप से दिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है क्यूलिनरी। क्यूलिनरी का मतलब होता है पाकशाला संबंधी। डाइट्री, डाइट्री पाकशाला संबंधी का मतलब होता है आहार संबंधी। डाइट्री, कल की नारी किचन संबंधी चीज़ों का ही ख्याल रखती थी। जो कल की नारियां थीं, आपने आपको पता जैसे कि आज की नारियां हैं वो तो फैशन, ब्यूटी पार्लर, ये वो सब पे ज़्यादा ध्यान रहती हैं, लेकिन जो कल की नारियां थीं वो किचन संबंधी चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखती थी। जो इसको आप क्यूलिनरी कैसे याद रखो, कल की नारी, कल की नारी किचन संबंधी, यानी कल की नारी किचन संबंधी चीज़ों का ही ख्याल रखती थी। तो कल की नारी क्या थी, क्यूलिनरी चीज़ों का ध्यान रखती थी, यानी पाकशाला संबंधी चीज़ें होती थी उनका ख्याल रखती थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है घोर दुख या फिर एंग्यूश। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, ट्रैवल से, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना घोर दुख होता है। जैसे आप लोगों ने कभी लोकल ट्रेन से सफ़र किया होगा, मैंने भी किया है, बहुत भीड़ होती है उसमें, इतना धक्का मुक्की, इतना वो होता है ना उसमें, बहुत ज़्यादा वो भीड़ वगैरह रहती है। तो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना क्या है, बहुत ही ट्रैवल चीज़ है, बहुत ही घोर दुख है, बहुत ही एंग्यूश। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ। ट्रैवल को आपने कैसे याद किया, ट्रैवल से, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना घोर दुख है, यानी घोर ट्रैवल है, यानी घोर दुख है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वाय। वाय का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना या फिर कॉम्पीट करना। आज भाई भाई से इस प्रतिस्पर्धा करता है। आप लोगों को पता है आजकल के जो भाई भाई हैं क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी वाय। तो वाय को आपने कैसे याद किया, भाई भाई। आजकल के भाई भाई में क्या है, बहुत ही वाय है, बहुत ही प्रतिस्पर्धा, बहुत ही कॉम्पिटिशन है। तो वाय को याद रख सकते हो, भाई से, आजकल के भाई भाई में बहुत ही वाय वाय है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है वोय। वोय का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, एफ्लिक्शन। वो जब जब लीला के साथ होता है मुझे कष्ट होता है, मुझे एफ्लिक्शन होता है। तो आपने इसको कैसे याद रखा, वो इससे याद रखेंगे, वो जब जब लीला के साथ होता है तो मुझे क्या होता है, मुझे बहुत ही वोय होता है, यानी मुझे बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही पीड़ा होता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है फॉय। फॉय का मतलब होता है शत्रु, एंटागोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं। फोर्टिसाइड को सपोर्ट करने वाले फॉय होते हैं। फोर्टिसाइड का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे गर्भावस्था में बच्चों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, जो फोर्टिसाइड होते हैं, तो उनको फोर्टिसाइड को सपोर्ट करने वाले क्या होते हैं, मेरे फॉय हैं, वो मेरे दुश्मन होते हैं, यानी मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं, वो मेरे क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। तो फॉय को आपने याद किया फोर्टिसाइड से। फोर्टिसाइड को सपोर्ट करने वाले लोग क्या होते हैं, वो मेरे फॉय हैं, वो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे एंटागोनिस्ट हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण, उत्सव मनाना, यानी किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना, मेमोराइज करना। तो इसको हम कैसे याद ये रखें, कम मेमोरी होने के कारण मैं उनका स्मरण उत्सव नहीं मना पाया, मेरी मेमोरी कम थी, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं उसका क्या नहीं मना, कॉमेमोरेट नहीं मना पाया, यानी उनका उत्सव मना के मुझे उन्हें स्मरण करना था वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी जो मेमोरी थी वो बहुत ही कम थी, इसलिए मैं उनका मेमोराइज़ नहीं कर पाया। तो इसको कैसे याद रखोगे, मेरी मेमोरी बहुत ही कम थी इसलिए मैं उसका कॉमेमोरेट नहीं कर पाया, यानी उसका स्मरणोत्सव नहीं मना पाया। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिटरी। जिटरी का मतलब होता है घबराया हुआ, नर्वस। जीत तेरी ही होगी इसलिए मत नर्वस हो, जीत तेरी होगी इसलिए तू इतना जिटरी मत हो, इतना घबरा मत। तो आपने जिटरी को कैसे याद किया, जीत तेरी होगी इसलिए तू जिटरी मत कर, यानी घबरा मत। तो जिटरी को आपने जीत तेरी से याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, वाष्पशील एंड अस्थिर या फिर फिक्र। अस्थिर परिवर्तनशील मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जिसमें परिवर्तन हो सके, कोई चेंज हो सके, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। भोला टाइल बेचने वाले का रेट परिवर्तनशील है, जो एक भोला लड़का है वो टाइल बेचता है, उसके रेट कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं, यानी वो चेंज अपने रेट्स को चेंज कर लेता है, कम घटा बढ़ा लेता है। तो जो भोला है टाइल बेचने वाला, उसके रेट क्या हैं, बहुत ही वॉलेटाइल हैं, अस्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वीम। वीम का मतलब होता है मर्जी या फिर सनक, जिसको हम बोलते हैं कैप्राइस। भीम अपनी मर्जी से काम करता है। भीम नाम का जो लड़का है वो अपनी भीम से सारे काम करता है, यानी अपनी मर्जी से सारे काम करता है। तो भीम को आपने भीम से याद किया, भीम सारे काम अपनी भीम से करता है, अपनी मर्जी से करता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, माइनट, अनइम्पॉर्टेंट। तेरा बिल बहुत कम है यानी तुच्छ है। तो ट्राइवियल को आपने कैसे याद किया, तेरा बिल ट्राइवियल यानी बहुत ही कम है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट टू वर्ड्स बचे हैं, स्कोर देख लेते हैं। ऑस्ट, ऑस्ट का मतलब होता है बाहर निकलवाना या फिर बेदखल करना। ऑस्ट्रासाइज, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑस्ट्रासाइज मतलब बेदखल करना। अब इसको आप ट्रिक इसको कैसे बनाओगे याद करने के लिए, वो बार बार जीरो पर आउट हो रहा था इसलिए उसे टीम से ऑस्ट यानी बाहर निकाल दिया। जो वो था बार बार आउट हो रहा था तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया, टीम से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल पा रहा था। तो आउट को आपने कैसे याद किया, आउट से, वो बार बार आउट हो रहा था इसलिए हमने कर दिया उसको आउट यानी बाहर निकलवा दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है सुस्त, स्लगिशनेस। लीला सात जन्मों का साथ निभाने का औत लेते वक्त बहुत ही सुस्त दिख रही थी। तो जब वो सात जन्मों का साथ निभाने का जब वो ओत ले रही थी तो वो कैसी दिख रही थी, बहुत ही स्लोथ दिख रही थी, बहुत ही सुस्त दिख रही थी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की तरफ। यह प्रैक्टिस सेट वन। सबसे पहला वर्ड है गैमट। गैमट का मतलब मैंने क्या बताया, तू गामट, क्योंकि तेरी गैमट बहुत ही कम है, यानी तो विस्तार जो तेरा रेंज है बहुत ही कम है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका होगा एम्बिट। एम्बिट का मतलब भी होता है विस्तार, तो इसका सिनोनिम्स एम्बिट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरोडी। पारोदीदी क्या करती हैं, सबकी पैरोडी करती हैं, नकल करती हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्रैवस्टी। ट्रैवस्टी का मतलब होता है नकल करना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल उसने क्या कर दिया, फ्यूटाइल कर दिया यानी व्यर्थ कर दिए। देन इसका कौन सा होगा, व्यर्थ यानी इनफ्रक्टिशियस। फिकल एंटागोनिस्ट लगने देख रही थी, इसका इनमें से तो कुछ नहीं होगा। चलो इसको लास्ट में देखते हैं, सबसे और कर लेते हैं, जो बचा होगा वही उसका होगा। इम्ब्रोग्लियो का कौन सा होगा, इम्ब्रोग्लियो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, उलझन, झमेला। इम्ब्रोग्लियो मतलब आई एम बी रोगलियो, या क्या इम्ब्रोग्लियो है, झमेला है, उलझन है। तो इसको आप कैसे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रेडिकामेंट, क्योंकि प्रेडिकामेंट का भी यही मतलब होता है इम्ब्रोग्लियो। इंजंक्शन, इंजंक्शन को साफ करने का मोदी जी ने क्या दिया, इंजंक्शन दिया, आदेश यानी डेक्री, डेक्री यानी आदेश। स्पोरेडिक यानी वो पूरा दी लेकिन स्पोरेडिक तरीके से, यानी रुक रुक कर दी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, रुक रुक कर। इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर। फॉ यानी जो शत्रु होते हैं, देन इसका हो जाएगा शत्रु यानी एंटागोनिस्ट। वॉलेटाइल यानी परिवर्तनशील, देन इसका हो जाएगा फिकल। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, तुच्छ, देन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका होगा आई थिंक इनसिग्निफिकेंट, इसकी यही होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का मतलब। स्लोथ यानी बहुत लेटे टाइम क्या थी, बहुत स्लोथ थी, बहुत ही सुस्त थी, बहुत ही लेजी थी, तो इसका है स्लगिशनेस। तो कौन सा बचा हुआ है, इसमें बच गया हमें इनफ्रक्टिशियस, तो फ्यूटाइल का कौन सा हो जाएगा, इनफ्रक्टिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जुबिलेंट। जुबिलेंट यानी ब्रिलियंट लोग क्या रहते हैं, जुबिलेंट रहते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं। देन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रफुल्लित यानी इसका कौन सा होगा, यानी इसका यूफोरिक होगा। यूफोरिक का मतलब यही होता है खुशी से भरा हुआ माहौल, खुशी, तो यही उसका सिनोनिम हो जाएगा। सोम्बर यानी मुझे सांबर नहीं मिला तो मैं क्या हो गया, सोम्बर हो गया, सैड हो गया, उदास हो गया। देन इसका कौन सा होगा, इसका होगा सोम्बर मतलब उदास, सैड, इसका कौन सा हो, ग्रेव, आई थिंक ग्रेव होगा इसका, ग्रेव का मतलब यही होता है। कुलिनरी, कुलिनरी, कुलिनरी यानी पाकशाला संबंधी, इसका हो जाएगा डाइट्री। ट्रेवल, 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 ट्रेवल करते समय मुझे क्या होता है, बहुत ही दुख होता है, पीड़ा होता है लोकल ट्रेन से ट्रेवल कर। एंग्यूस यानी पीड़ा। वाई, आजकल बाय बाय में क्या है, बहुत ही वाई प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पीट है।
वो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका हो जाएगा एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन कमेमोरेट यानी यानी स्मरण करना, महोत्सव बना के स्मरण करना, धन इसका कौन सा होगा, मेमोरलाइज करना, जिटेरी जीत तेरी हुई यानी जिटेरी मत करना, घबरा मत, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब ये होता है परेशान घबराया हुआ, वीम सनक या फिर मर्जी, धन इसका हो जाएगा कैप्राइज, ऑस्ट यानी बाहर निकाल देना यानी ऑस्ट्रसाइज कर देना, वो ये सारे। अब चलते हैं हम अपने एंटोनियम्स की तरफ। सबसे पहला जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब प्रफुल्लित, खुशी से भरा हुआ, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इंटोन इसका हो जाएगा डिप्रेस्ड, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, धन इसका हो जाएगा, व्यर्थ का कौन सा होगा, प्रोफिलिक, प्रोफिलिक हो जाएगा, प्रोफिलिक का मतलब फलवान, फला फूला, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंड 20 है पैरोडी यानी नकल करना, स्पूफ, देन इसका हो जाएगा ट्रुथ, ये हम एंटोनियम पढ़ रहे हैं इनके, याद रखना ऊपर लिखा हुआ है। एम्ब्रोग्लियो, एम्ब्रोग्लियो का ट्रम्फेंट, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक स्पोरेडिक रेगुलर, स्पोरेडिक मतलब रुक रुक कर, रेगुलर मतलब रेगुलर नियमित रूप से। वो है का कौन सा हुआ, वॉय का आई थिंक वॉय का ये होगा गेटी यानी खुशी आनंद, वॉय कमेमोरेट यानी मेमोराइज करना, इसका हो जाएगा ऑब्लिवेट, वॉलेटाइल प्रवर्तनशील, इसका हो जाएगा स्टेबल, ऑस्ट यानी बाहर निकालना, तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा रिटेन, दोबारा से रिटेन करना। फॉय यानी मित्र, इसका हो जाएगा कमरेड यानी साथी या फिर मित्र। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स, आज हमने पढ़े 20 वर्ड्स। कमेंट्स करना, बताना आपको कैसे लगे, एंड थैंक यू सो मच।